पा 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 बा बा पा पा बा 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 पा 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 बा बा पा पा बा 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 या पा पा पॉलीमर बेस्ड डिलीवरी सिस्टम्स आर ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स सो इसमें बेसिकली डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे अबाउट जनरल मैकेनिजम्स पॉलीमर बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स क्यों व्हाई फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई

वेरी इंपॉर्टेंट यूज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यूज एंटी एरिदमिक्स बोलो कुछ एरिदमिक्स एमबीए कॉलेज से याद कर सकते हो आप एरिदमिक्स एंटी एरिपी एमबीए कॉलेज मेंल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन से होते हैं वन टू थ्री फोर मेम्ब्रेन स्टेबिलाईजर्स सोडियम चैनल ब्लॉकर्स बीटा ब्लॉकर्स एक्शन पोटेंशियल वाइडनिंग एजेंट्स क्या ब्लॉकर्स नाम बताओ मुझे यूट्यूब के मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे मीठे बच्चों ओके सो अब इसमें क्या होता है बेसिकली इनमें एडवांटेजेस ये होते हैं कंट्रोल रिलीज में भी और टारगेटिंग में दोनों तरफ से इनको दे सकते हैं कंट्रोल रिलीज या फिर टारगेटिंग ठीक या तो कंट्रोल रिलीज के फॉर्म में दे सकते हैं या फिर टारगेटिंग के फॉर्म में दे सकते हैं बोथ आर वेरी मच एडवांटेजेस ठीक है या तो कंट्रोल रिलीज या फिर टारगेटिंग ठीक है अब इसमें ड्रग डिलीवरी जो होती है फ्रॉम अ पॉलीमर बेस सिस्टम दिस कैन बी अचीव वाया थ्री जनरल मैकेनिजम्स इनके बारे में आप लोगों को कंठस कर लेना है क्या मैकेनिज्म होते हैं एक एक को एक-एक को पकड़ पकड़ के समझना शुरू करेंगे पहला हो गया डिफ्यूजन दूसरा हो गया केमिकल रिएक्शन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आई नो इट्स माई फेवरेट लाइन एंड आई बी रिपीटिंग इट अगेन दैट इज सॉल्वेंट एक्टिवेशन डिफ्यूजन केमिकल रिएक्शन एंड सोलवेंट एक्टिवेशन ठीक अब सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है रिजर्वर टैंकर मैंने बताया पानी की टंकी से प्यास लगती है पानी पीते हैं तो टंकी में ड्रग रिजर्वर ड्रग का टैंक है उसमें ड्रग भरा हुआ है ठीक है सो डिफ्यूजन फ्रॉम आदर अ रिजर्वर या फिर मीट्रिक से दिस इज द मोस्ट कॉमन रिलीज मेकेनिज्म मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन है रिजर्वर सिस्टम में क्या होता है जो ड्रग होता है दैट इज प्रेजेंट इन पॉलीमर एक पॉलीमर के अंदर होता है अगले डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा जिसमें वो टाइम पर डिफ्यूज आउट होता है वेरी एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस नॉर्प्लांट नॉरप्लांट इज बेसिकली नथिंग बट लीवो नॉर्जेस्टरल कंटेनिंग इम्प्लांट लीवो नॉर्जेस्टर कंटेनिंग इम्प्लांट इज नॉर प्लांट ठीक है अब देखो ये इस प्रिंसिपल से काम करता है अब लीवो नॉर्जेस्ट्रिल क्या होता है यूट्यूब सेक्शन में बताओ सो बेसिकली लीवो जो होता है दिस इज स्टोर्ड स्मॉल सिलिकॉन ट्यूब्स छोटे छोटे सिलिकॉन ट्यूब्स में होता है मैं डायग्राम आपको बता चुका हूं इम में देख लेना मेरा जो यूट्यूब पहला था उसमें रूट्स रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने डायग्राम बताया इम कैसे जाते हैं ठीक है सिलिकॉन ट्यूब्स में इम प्लांट क्या है इन द आर्म ठीक है फिर वो धीरे धीरे ड्रग डिफ्यूज स्लोली ओवर द कोर्स ऑफ फाइव ईयर्स पांच साल तक प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन ठीक है तो कितना पांच साल का कॉन्ट्रासेप्शन कितना ज्यादा है बट अब वही प्रॉब्लम है कि ये जो रिजर्वर के सिस्टम्स हैं दे आर लिमिटेड बाय द साइज ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स बीइंग डिलीवर्ड जैसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिकुलर वेट लार्जर दैन अप्रोक्सीमेटली थ्री हंड्रेड होता है दे आर अनएबल टू डिफ्यूज थ्रू द पॉलीमर शिल तो उनको आप नहीं दे सकते ठीक है तो अगर थ्री हंड्रेड डाल्टन से कम होगा तब दे सकते हैं इसी के बाद में कर रहा था डिफ्यूजन कैन अकर फ्रॉमर ये पूरा रिजर्वर हो गया पॉलीमर कैप्सूल हो गया इन विच अ ड्रग कोर इज सराउंडेड बायीमर फिल यह तो पॉलीमर कैप्सूल हो गया दूसरे में इट कैन बी फ्रॉम अ पॉलीमर मीट्रिक्स मेट्रिक कैनोरीज या लव द ट्रायलॉजी मीट्रिक्स वन टू थ्री एक्सिलेंट मस्ट वॉच ठीक है, खांक हो गया मैट्रिक्स मूवीज में हाँ या फिर पॉलीमर मैट्रिक्स है, वेयर द ड्रग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पॉलीमरिक सिस्टम ठीक है, इसमें क्या है दोबारा एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं डिफ्यूजन रिजर्वर इन विच ड्रग कोर सराउंडेड बाय अ पॉलीमर फिल्म ठीक है तो ये हो सकता है या फिर from a matrix where the drug is uniformly distributed through the polymeric system through the polymeric system ठीक समझ गए क्रिस्टल क्लियर कोई डाउट कमेंट सेक्शन अब एक कॉमन मेट्रिक सिस्टम डिजाइन में द ड्रग इज कंटेन इन सीरीज ऑफ इंटर कनेक्टिंग पोर्ट जो आपने बी वाला देखा था ना इसके पहले वाले बी वाला उसमें इंटर कनेक्टिंग एक लार्ज रिजर्वर के बजाय लार्ज पानी की टंकी के, के बजाय छोटी छोटी छोटे छोटे पोर्ट से कनेक्ट होते हैं ठीक है अब ये जो आपने बी वाला डायग्राम देखा है दिस इज लेस लिमिटेड बाय द साइज ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स अब इसमें साइज का इशू नहीं है ठीक है बिकॉज ईच पोर ईच पोर जो मैं बी पार्ट था उसको ध्यान से देखिएगा ईच पोर कैन अकोमोडेट ईच पोर कैन अकोमोडेट मॉलिक्यूल्स विद मॉलिकुलर वेट्स मॉलिकुलर वेट ऑफ सेवरल मिलियन डाल्टन सेवरल मिलियन डाल्टन देखो सेवर मिलियन वहां पे सिर्फ तीन हजार डाल्टन था इसमें सेवरेन मिलियन डाल्टन ठीक है at the rate of diffusion between the pores and through the matrix and out of the system this is controlled architecturally How is 80 rate controlled by tight constrictions tight constrictions and tortuous connections and tortuous connections between the pores टाइट कंस्ट्रक्शंस एंड टॉर्चोस कनेक्शंस बिटवीन पोर्स इेसिकली प्रिवेंट्स क्यों जरूरी है इनकी बिकॉज दे प्रिवेंट रैपिड रिलीज ऑफ स्टोर्ड ड्रग ठीक प्रिवेंट रैपिड रिलीज ऑफ स्टोर्ड ड्रग

और एक होता है कंटिन्यूस हैं, टाइल कब देते हैं जस्ट चेक ऑन माई जी एन आर एच क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स हॉर्मोन डिपेंडेंट डिजीजे सच एज प्रोस्टेट कैंसर ठीक और भी मैंने बताया मेरा वीडियो देख लेना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पिट्यूटी वाला जो वीडियो है मेरा. ठीक है मेजर प्रीवियस लिमिटेशन इस अप्रोच का था अ शॉर्ट इन वीवो हाफ लाइफ जो मेजर इसका डिसएडवांटेज था दैट दॉ शॉर्ट इन इन विवो मतलब इन द ह्यूमन बॉडी इन इन विवो इन विट्रो याद करना बहुत सिंपल है टी से टेस्ट ट्यूब तो बाहर ही होगा बॉडी के और विवो मतलब इन साइड द बॉडी ठीक है टी से टेस्ट इन साइड द बॉडी शॉर्ट इन वीवो हाफ लाइफ ऑफ जी एन आर एच एनोलॉग्स फॉलोइंग इंट्रामस्कुलर रूट इनको देते हैं आपको पता ही है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछ सकते हैं आपके नेक्स्ट यूएसए में दी प्लेब इन सब एग्जाम्स में ठीक अब जो ड्रग को इंकॉर्पोरेट कर लिया पॉलीमर माइक्रो कैप्सूल में और अब कैप्सूल को इंजेक्ट कर दिया बाय द इंट्रामस्कुलर रूट इससे क्या फायदा हुआ द हाफ लाइफ इज एक्सटेंडेड सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ताकि थेरेपुटिक कंसेंट्रेशन एक से चार महीने तक मेंटेन रहते हैं अब जो ड्रग डिलीवरी होती है माइक्रो कैप्सूल सिस्टम से इसकी मैं बात करूं इसमें दो यूटिलाइज़ होते हैं पहला ड्रग डिफ्यूज आउट ऑफ द माइक्रो कैप्सूल्स ड्रग डिफ्यूज आउट ऑफ माइक्रो कैप्सूल माइक्रो कैप्सूल ठीक दूसरा ड्रग डिलीवरी दूसरा

सच पॉलीमर ड्रग कॉम्प्लेक्सेज आर एडमिनिस्टर्ड बाय द इंट्राविनस रूट इंट्राविनस रूट से देते हैं द यूज ऑफ वाटर सोल्यूबल पॉलीमर सच एस पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल ये बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल हाफ लाइफ को बढ़ा देता है इसीलिए इसको यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक दवाई है आप लोगों ने नाम आई एम क्वाइट श्योर सुना होगा उसका नाम है पेग इंट्रॉन पेग इंट्रॉन इज बेसिकली पेगाइलेटेड पेगाइलेटेड मतलब पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल एड कर दिया टू इंक्रीज अ बायोलॉजिकल हाफ लाइफ अच्छी बात है क्यों मैं कह रहा हूं क्योंकि जो पेग इंटरफेर है इसको वंस वीकली देना पड़ता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेपटाइटिस सी वायरस इंफेक्शन अब इसका क्या फायदा हुआ अगर आप पेगलेटेड नहीं देते हो अगर आप प्लेन इंटरफेरॉन देते हो तो आपको पता है कितनी बार देना पड़ेगा दैट्स करेक्ट इसको हफ्ते में तीन बार देना पड़ेगा थ्री टाइम्स पर वीक और ये वंस वीकली कौन सा बेटर है खुद ही चूज कर लो ठीक ये मैंने बताया था डायग्राम देखो यहां पर दिस इज बेसिकली वॉट यू अंडरस्टैंड बाई केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ठीक ये पॉलीमर की बैकबोन है बैकबोन पे ये सारे ड्रग के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं वाटर या एंजाइम आया और ये धीरे-धीरे धीरे है। है? अब इंट्रामस्कुलर जीएनआरएच कैप्सूल्स दिए सो पॉलीमर इज डिग्रेडेड इन अ रिएक्शन विद वाटर और हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ द पॉलीमर ठीक है ड्रग इज और डिस्पर्स इन द पॉलीमर ठीक अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सरफेस इरोजन एंड बल्क इरोजन बी फॉर बल्क बी फॉर बैड सो बल्क इज बैड सरफेस इज गुड सो मोस्ट इन सोल्यूबल पॉलिम्स कंसिडर्ड फॉर दिसन एग्जिबिट बल्क इरोजन विच इज बैड बिकॉज द एंटायर मैट्रिक्स वाई इज इट बैड वाई बोलो ना पूछते नहीं हो तुम लोग यार बिकॉज एंटायर मेट्रिक्स डिजोल्व एट द सेम रेट बिकॉज एंटायर मेट्रिक्स डिजोल्व एट द

ओवरकम करने के लिए हमने नए पॉलीमर्स बनाए विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस इरोजन बाय ऑप्टिमाइजिंग डिग्रेडेशन और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सो दिस इज गुड ठीक अब एग्जाम्पल में जैसे एक पॉलीमर होगा जिसमें डिजायरेबल इरोजन प्रॉपर्टीज होगी इसको इंजीनियर किया गया यूजिंग हाइड्रोफोबिक मोनोमर्स हाइड्रोफोबिक मोनोमर्स कनेक्टेड बाय एन हाइड्राइड बॉन्ड्स में एक्सप्लेन कर चूंगा आपको पहले भी कनेक्टेड बाई एन हाइड्राइड बॉन्ड ठीक so इससे क्या फायदा होगा अरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मैं भी गलती इंसान गलती पुतला है मैं भी इंसान ही हूं ठीक है हाइड्रोफोबिक मोनोम ठीक अब उसके बाद द हाइड्रोफोबिक मोनोम जो है दे एक्सक्लूड वॉटर फ्रॉम द इंटीरियर इड्रोफोबिकॉन एच एम लिख देता हूं एच एम एक्सक्लूड वॉटर फ्रॉम इंटीरियर ऑफ इंटीरियर ऑफ पॉलीमर मेट्रिक्स तो कर दिया तो so इससे क्या होगा दे एक्सक्लूड वॉटर फ्रॉम इंटीरियर ऑफ मेट्रिक्स पॉलीमर मेट्रिक्स क्या होगा वेरी गुड एक्सीलेंट दिस एलिमिनेट्स बल्क इरोज़न

अभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा द पॉलीमर फ्रॉम आउटसाइड ओनली अभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये ठीक देखो सरफेस इन पॉली एंड हाइड्रेट पॉलीमर सरफेस इरोजन ऑफ डिग्रेडेबल पॉलीमर डिलीवरी डिवाइसेज अलाउस फॉर मोर एक्यूरेटली कंट्रोल्ड रिलीज रेट्स एंड इज देयर फॉर प्रेफरेबल टू बल्क इरोजन यह बताई चुका हूं फिर पॉली एंड हाइड्रेट से सरफेस इरोजन हुआ हाइड्रोफोबिक मोनोमर्स एच एम

length of time over which the polymer persists is specified by the ratio of monomers used take and a drug that is uniformly distributed within such a polymer matrix will be released constantly over time <coughs> the advantage a drug that is uniformly distributed within such a polymer matrix will be released constantly over time Theak? अब इन प्रिंसिपल्स के बलबूते एक दवाई बनी है ग्लियाडेल ग्लियाडेल दिस इज अ फर्स्ट लोकल कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम लोकल कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम फॉर एन एंटी कैंसर ड्रग टू रिसीव एफडीए अप्रूवल एंटी कैंसर ड्रग जिसको यूएस एफ का अप्रूवल मिला एफ का फुल फॉर्म बता इन द लवली ब्यूटीफुल कमेंट सेक्शन, ठीक है? अब इसमें क्या इसकी यूटिलिटी है जब सर्जन एक ट्यूमर रिमूव करते हैं जिसका नाम होता है ग्लायो ब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म क्लियर? जब ये ट्यूमर ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म इज रिमूव्ड, दिस इज एन अग्रेसिव फॉर्म ऑफ ब्रेन कैंसर को पता ही है सो दे प्लेस एट स्मॉल पॉलीमर ड्रग वेफर्स दे प्लेस एट स्मॉल पॉलीमर ड्रग वेफर्स खाने वाला वेफर नहीं है ये बहुत छोटा है ना इसलिए वेफर कहते हैं एट स्मॉल पॉलीमर ड्रग वेफर्स एट द ट्यूमर साइट अब जैसे पॉलीमर का सरफेस इरोड होता है ओवर अ पीरियड ऑफ वन मंथ एक महीने में उसका सरफेस इरोड होता है जो ड्रग होती है कारमस्टीन कौन से कौन से क्लास ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स को बिलोंग करती है मेरे को बताना कमेंट कमेंट्लीफुल्लोली रिलीज सो दंसेंट्रेशन ऑफ कार्मोस्टीन एट द ट्यूमर साइट इज अ हाई एन लेवल जो ट्यूमर साइट पर है बहुत हाई कंसेंट्रेशन होती है विच किल्स मेनी ऑफ द रिमेनिंग ट्यूमर सेल्स ठीक है ट्यूमर सेल सारे मर गए

वेरी इंपॉर्टेंट सोलवेंट डज नॉट आपको लगेगा हाँ होता है बट नहीं होता डज नॉट रिएक्ट विथ पॉलीमर केमिकली सॉल्वेंट डज नॉट रिएक्ट विथ पॉलीमर केमिकली बट इनिशिएट्स ड्रग डिलीवरी वाया दो मोडालिटी स्वेलिंग और ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस पता ही है थ्रू सेमी मेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल सॉल्यूट मोलिक्यूल हाई कंसेंट्रेशन हो गए पढ़ी चुके में अब इसका एक्टिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन एक्सटेंडेड रिलीज एक्सटेंडेड रिलीज कंट्रोल रिलीज का मुझे तो so, इसमें एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन की बात करेंगे सॉल्वेंट एक्टिवेशन में, एक्सटेंडेड रिलीज ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ निफ्यू क्या होता है ऑफ चॉइस किसमें, पहले तो किस क्लास को बिलोंग करता है ये बताओ और फिर कहाँ का यूज करते हैं ये बताओ नहीं मैं नहीं बता रहा आपको बता चुका हूँ ठीक है so, सो इसमें क्या होता है इट इज मिक्सड विद ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट मिक्सड विद ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट जैसे कि नमक सॉल्ट एंड फिर उसके बाद क्या होता है इट इज कोटेड विद अ मेम्ब्रेन कोटेड विद अ मेम्ब्रेन कोटेड विद अ मेम्ब्रेन बट इसमें ध्यान रखना है दिस मेम्ब्रेन शुड बी परमीएबल टू वॉटर परमीएबल टू वॉटर बट नॉट अ ड्रग सारा ड्रग निकल आएगा नहीं तो वॉटर से ऊपर बट नॉट द ड्रग ठीक उसके बाद क्या करते हैं अ स्मॉल होल इज ड्रिल्ड अ स्मॉल होल इज ड्रिल्ड इन द कैप्सूल इन द कैप्सूल द कैप्सूल विद में लेजर कैप्सूल मेंब्रेन द लेजर ठीक फिर आफ्टर इंजेक्शन जब ये दवाई खाई जाती है द कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक इनफ्लक्स ऑफ वाटर द कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक इनफ्लक्स ऑफ वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन फोर्सेज द ड्रग आउट ऑफ द पिल थ्रू द होल देयर बाय कंट्रोलिंग द रिलीज क्रिस्टल क्लियर एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ यू फिर ये जो डिलीवरी टेक्निक है इट इज टू कन्वेंशनल या इमीजिएट रिलीज ओरल फॉर्मुलेशन दिस प्रोवाइड्स पेशेंट्स अ ग्रेटर रिलीफ फ्रॉम इस इवेंट्स अरे बता दिया यार विद फ्यूअर एडवर्स इफेक्ट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है जिसका नाम है कंसर्टा कंसर्टा इज बेसिकली अ ब्रांड नेम दिस इज एन एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन ऑफ मिथाइल फेनेडेट मिथाइल फेनेडेट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट छोटे छोटे बच्चों में यूज होती है टू ट्रीट चिल्ड्रेन विद ई डी एच डी वो फॉर्म क्या होता है इन द लवली कमेंट सेक्शन ठीक सो ब्यूटिफुल्स समर एवरीथिंग वट आई टोल्ड यू सो फार पॉलीमर बेस्ड डिलीवरी सिस्टम्स ग्रेजुअली रिलीज ड्रग्स ड्रग डिलीवरी कैन बी अचीवड बाय